नमस्कार, पलपल के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में चुनावी मौसम आरंभ हो चुका है। एक और कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए रथ यात्रा आरंभ की है, वहीं हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला को एक बड़ा झटका देते हुए उन्हें आज विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी, 3 दिन पूर्व अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर सशर्त विपक्ष के नेता पद से त्याग पत्र दिया था। उन्होंने शर्त यह लगाई थी कि 5 उन विधायकों की विधायकी समाप्त की जाए जिन्होंने इनेलो को छोड़ा है। खास तौर पे जेजेपी में जो 4 विधायक गए हैं, उन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने उन 4 सदस्यों की सदस्यता को समाप्त नहीं किया, मगर अभय सिंह चौटाला को विपक्ष के नेता पद से हटा दिया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने यह निर्णय क्यों लिया, इसकी आपको मैं कानूनी जानकारी दे दूं। आपको जैसा कि जानकारी होगी, 2014 में हरियाणा में इनेलो के कुल 19 विधायक चुने गए थे। उनमें से 2 विधायक जींद के विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्डा व पेवा के विधायक जसविंदर सिंह संधु का देहांत हो चुका है। इस प्रकार शेष उनके 17 विधायकों की संख्या रह गई थी, मगर कांग्रेस के भी इतने विधायक थे, इसलिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें इस पद से नहीं हटाया। हालांकि जेजेपी में 4 विधायक जा चुके थे, लेकिन तकनीकी रूप से वे अभी इनेलो के ही विधायक थे, इसलिए हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने अभय सिंह चौटाला को विपक्ष के नेता पद से नहीं हटाया। लेकिन 2 दिन में हरियाणा इनेलो के 2 विधायक, जिनमें नलवा के विधायक गंगवा व रावत जो अधीन के विधायक हैं, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन दोनों विधायक में खासतौर पे नलवा के विधायक रणवीर गंगवा व केर सिंह रावत जो अधीन के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही अपने विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। उनके दोनों के त्याग पत्र देने के बाद हरियाणा इनेलो के विधानसभा में जेजेपी के 4 विधायकों सहित विधायकों की संख्या 15 रह गई है, जो कांग्रेस के 17 विधायकों से कम हो जाती है। इस प्रकार हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जहां अभय सिंह चौटाला को तो विपक्ष के नेता पद से हटा दिया है, वहीं अभी जेजेपी में गए विधायकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। जब इस संबंध में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से पूछा गया, तो उन्होंने कहा इस संबंध में वे कानूनी जानकारों की राय ले रहे हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। तो आज की यह बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हम पल पल के दर्शकों को देने जा रहे हैं। नमस्कार।